अरे यार, अब ये फिट्टी पर मेरी चाय ना मन करा दे। हाँ, चाय पी पी के अपना शरीर खराब होता है। चाय पीने वालों को भूख नहीं लगती, जिनको भूख नहीं लगेगी शरीर मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा, कमजोर होगा तो बीमारियां। तो आप या तो डिसाइड कर लो कि जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की गोलियां खा के जिंदा रहना है तो चाय पीते रहिए, और अगर जो नहीं खानी है तो चाय पहले छोड़िए। क्या सांस भी नहीं छोड़ दूं? अरे भाई परेशान मत हो, मैं जरा डिटेल में बताता हूँ। चाय और कॉफी भारत में दो सबसे ज्यादा पिए जाने वाले बेवरेजेस हैं। ज्यादातर लोगों के लिए चाय और कॉफी उनकी डेली डाइट का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इनमें से कौन सी ज्यादा हेल्दी है, चाय या कॉफी? इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा क्या है मॉडर्न साइंस का टेक और क्या आयुर्वेद का कहना है चाय और कॉफी के बारे में। मैं आपसे मेरा खुद का पर्सपेक्टिव भी शेयर करूंगा, इसलिए अगर आप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों ही पसंद करते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आइए तो फिर शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। चाय या कॉफी? दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाय और कॉफी दोनों का ही प्रचलन भारत में पिछले कुछ 100 सालों से ही शुरू हुआ है। जहां चाय पीने का रिवाज अंग्रेजों द्वारा 1836 में शुरू किया गया, वहीं कॉफी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले 1670 में एक सूफी संत बाबा बुढ़ान द्वारा लाई गई। और आज चाय और कॉफी की लोगों को इतनी आदत हो चुकी है कि वो अपने दिन की शुरुआत इसके बिना नहीं करते। लेकिन क्या आपको इन्हें रोज पीना चाहिए, कौन सी बेटर है, आइए पता लगाते हैं। मॉडर्न साइंस के हिसाब से दोनों चाय और कॉफी नॉन अल्कोहलिक फ्लेवर्ड बेवरेजेस हैं जिन्हें पीना बिल्कुल सेफ है। जी हाँ, बल्कि इस पे काफी स्टडीज हुई हैं और सभी में ही लगभग चाय और कॉफी के फायदों को ही दर्शाया है। चाय की सभी वैरायटीज में बड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। चाय में EGCG होता है जो फैट सेल्स को घटाने में मदद करता है। यहाँ ग्रीन टी की बात करनी जरूरी है। वैसे तो ग्रीन टी को कंपनियों द्वारा मार्केट तो ऐसे किया जाता है जैसे कोई बहुत ही खास वेट लॉस ड्रिंक है, लेकिन एक्चुअल में जब ग्रीन टी को फर्मेंट कर दिया जाता है तो नॉर्मल चाय पत्ती बन जाती है। फर्मेंटेशन की वजह से रेगुलर चाय पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट्स और EGCG की मात्रा ग्रीन टी से थोड़ी कम होती है, और कोई फर्क नहीं है। कॉफी की बात करें तो लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक कॉफी अलग अलग कैंसर, डायबिटीज, अल्जाइमर्स और पार्किंसन जैसे रोगों से बचाव करने में मदद कर सकती है। हालांकि मॉडर्न साइंस का ये भी कहना है कि अगर एक्सेस में चाय और कॉफी पिया जाए तो इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों में ही कैफीन और टैनिन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। कॉफी में कैफीन ज्यादा होता है जबकि चाय में टैनिन अधिक होता है। टैनिन बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालता है जिससे एनीमिया हो सकता है। टैनिन से दांतों का रंग भी पीला पड़ता है। कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो हड्डियों से कैल्शियम को कम करता है और एकदम से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। बेसिकली कैफीन एक माइल्ड ड्रग है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है और फिर अचानक से क्रैश कर देता है। ऊपर से एडिक्टिव भी है। एक बार अगर कैफीन की आदत पड़ जाए तो फिर इसके बिना काम चलाना मुश्किल हो जाता है। यही रीजन है, आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि यार जब तक मैं सुबह कॉफी ना पी लूं मुझसे बात मत किया करो, मैं बिना कॉफी तो काम नहीं कर सकता। यहाँ एक बार रेगुलर कॉफी को ग्रीन कॉफी से कंपेयर करते हैं। ग्रीन कॉफी और कुछ नहीं, बस ग्रीन टी के सक्सेस को ही दोहराने की कोशिश है। ग्रीन कॉफी को बस रोस्ट नहीं किया जाता, जिस वजह से इसमें क्लोरोजेनिक एसिड की मात्रा रेगुलर कॉफी से थोड़ी ज्यादा होती है। सो ग्रीन टी की तरह ग्रीन कॉफी के थोड़े ज्यादा फायदे तो हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स भी उतने ही हैं अगर एक्सेस में पी जाए। एक्सेस किसे कहेंगे, आप सोच रहे होंगे। मॉडर्न साइंस के हिसाब से चाय और कॉफी के ज्यादातर लोगों को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे अगर वो दिन में 4 कप तक चाय या कॉफी पीते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप चाय पीने लगें, ये बात जरा सुन लीजिए। अगर आपको सुबह उठते ही चाय और कॉफी पीने की आदत है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से चाय और कॉफी का फायदा तभी होता है जब वो खाने के 30 मिनट बाद पी जाए, ब्रेकफास्ट या लंच। शाम 5 बजे के बाद चाय या कॉफी को अवॉइड करना ही बेहतर है, वरना रात को नींद डिस्टर्ब कर सकती है। सो मॉडर्न मेडिकल साइंस क्लियर है कि दोनों चाय और कॉफी सेहतमंद हैं जब तक आप इन्हें लिमिट में कंज्यूम करें, चीनी कितनी डालते हैं इस बात का ध्यान रखें और खाली पेट ना पिएं। कॉफी में कैफीन ज्यादा होता है इसलिए ये चाय से ज्यादा एडिक्टिव होती है। आइए अब देखते हैं कि आयुर्वेद का क्या कहना है इन दोनों के बारे में। आयुर्वेद का एक सिंपल फंडा है,
है। अगर कोई फूड आइटम आपके घर के 100 किलोमीटर के दायरे में नहीं उगाई जाती तो वो फूड आइटम आपकी डेली डाइट का पार्ट नहीं होनी चाहिए। और ज्यादातर भारतीय राज्यों के आसपास चाय और कॉफी की खेती नहीं होती। आयुर्वेद के अनुसार चाय और कॉफी दोनों ही ड्राइंग और बॉडी हीट बढ़ाने वाले पदार्थ हैं। चाय और कॉफी की इस ड्राइंग प्रॉपर्टी को बैलेंस करने के लिए भारत में इसे बड़ी स्मार्टली दूध में मिलाकर दिया जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से चाय और कॉफी एसिडिक हैं और इसके लगातार सेवन से पाचन में दिक्कत, हेयर फॉल और सफेद बालों की प्रॉब्लम आ सकती है। आयुर्वेद के हिसाब से चाय और कॉफी तभी पीनी चाहिए जब कफ दोष बढ़ा हो। सिंपली कहूं तो अगर आपको सर्दी जुकाम हो, अगर आपकी ऑयली स्किन हो, शरीर ठंडा रहता हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, तब आपको चाय और कॉफी एक मेडिसिन की तरह पीनी चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि स्टिमुलेटिंग एडिक्टिव सब्सटेंसेस डेली यूज नहीं करने चाहिए। हालांकि आयुर्वेद के पास एक बेहतर विकल्प है जो एल्कलाइन है, ब्लड शुगर को बैलेंस करता है और हार्ट के लिए टॉनिक का काम करता है। ये है अर्जुन चाय। अर्जुन वृक्ष की छाल से बनाई जाने वाली ये औषधीय चाय के बेशुमार फायदे तो हैं ही, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे आप नॉर्मल चाय की तरह बना सकते हैं। यही सही मायने में भारतीय चाय है। और पता है, इसे आप मॉर्निंग बेड टी की तरह भी पी सकते हैं। बहुत आसानी से मिल भी जाती है। सो आयुर्वेद के हिसाब से चाय और कॉफी अपनी बॉडी टाइप को देखते हुए और कुछ ही प्रॉब्लम्स में मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल की जानी चाहिए। अर्जुन चाय एक बेहतर विकल्प है जो सभी के लिए सेफ है। मेरा क्या कहना है चाय और कॉफी के बारे में? सच में चाय और कॉफी आज इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है हमारे लिए कि इन्हें ना पिए ये तो ख्याल भी नहीं आता। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप ऐसी स्टेज पे हैं कि चाय और कॉफी के बिना काम नहीं कर सकते तो क्या गड़बड़ नहीं है? क्या ये एडिक्शन नहीं है? क्या हम हेल्थ को टेस्ट से ऊपर नहीं रख सकते? ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम से ही इन्हें पीना बंद कर दें, वो तो अनरीजनेबल होगा। लेकिन हाँ, हम चाय और कॉफी को धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू कर सकते हैं कुछ ऐसे बढ़िया ऑप्शन से जो पर्पस भी सर्व करें लेकिन हमारी हेल्थ को नुकसान भी ना पहुंचाएं। डेफिनेटली अर्जुन चाय बढ़िया है। मैंने इसे दूध और बिना दूध दोनों के ही ट्राई किया और मुझे अच्छी लगी। आप भी एक बार जरूर ट्राई करके देखें। फिर कभी कभी मैं एक हर्बल टी बना लेता हूँ तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग को बॉइल करके। मीठे के तौर पे मैं शहद डालता हूँ। बहुत रिफ्रेशिंग और टेस्टी लगती है। फिर हॉट चॉकलेट भी एक कंसिडरेबल ऑप्शन है। गर्म दूध में आधा चम्मच अनस्वीटन कोको पाउडर का मिक्स कर दें। मैग्नीशियम होने की वजह से आपको इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट भी मिलेगा। पर्सनली मैं चाय कॉफी को किसी भी दिन हॉट चॉकलेट के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ बिना टेस्ट और इफेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज करते हुए। फिर कभी कभी ऐमे ही कुछ गर्म पीने का मन करता है। ऐसे में सिर्फ गर्म पानी भी बहुत बढ़िया काम करता है। ऑफिस में आसानी से मिल भी जाता है। दोस्तों, मेरा स्टैंड क्लियर है। अगर आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो चाय और कॉफी जैसी स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स से थोड़ा दूर रहें, हेल्दियर अल्टरनेटिव्स की तरफ स्विच करें। लेकिन अगर चाय और कॉफी आपके लिए एक ड्रिंक से कहीं ज्यादा है, फिर तो कोई रीजन नहीं बनता कि आप डीकैफीनेटेड कॉफी ना पिएं। 97% कम कैफीन होने की वजह से टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है लेकिन बहुत कम एडिक्टिव। ड्राई और हीटिंग जरूर है लेकिन फिर भी रेगुलर कॉफी से बहुत बेहतर ऑप्शन है। और हाँ, अपनी चॉइस ऑफ बेवरेज को शक्कर या मिश्री से ही स्वीटन करें। ये एल्कलाइन है जिससे चाय कॉफी का एसिडिक इफेक्ट कुछ हद तक न्यूट्रलाइज होगा और न्यूट्रिशन लेस चीनी से भी आप दूर रहेंगे। सिर्फ टेस्ट या टेस्ट के साथ हेल्थ भी, ये आपकी चॉइस है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपके रूखे और घुंघराले बाल हैं तो आप चेक कर सकते हैं मामा अर्थ का आर्गन हेयर मास्क। आर्गन, अवोकाडो और मिल्क प्रोटीन से भरपूर ये बना है 100% टॉक्सिन फ्री इंग्रेडिएंट से। इसमें ना तो सल्फेट्स, ना पैराबेंस, ना ही EDTAs और ना ही कोई कलर्स या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डाली गई है। इसे मेन और वेमेन दोनों ही यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए अपने बालों को दो हिस्से में बांट लें, हेयर मास्क ले लें और अच्छे से अपने बालों पे लगा लें। 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर एक टॉक्सिन फ्री शैम्पू से धो दें। हफ्ते में 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं। मामा अर्थ का आर्गन हेयर मास्क खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।